This show is sponsored by ClickInProperties.in, a complete real estate solution. नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल ट्रेंड्स। मैं हूं आपके साथ प्रिया राजपूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी ने शुभकामनाएं देते हुए निशाना भी साधा है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। मैं डॉक्टर इरफान अंसारी, विधायक जामताड़ा, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। दूसरी ओर मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी आज रोजगार दिवस मनाने जा रही है। छात्र छात्राओं भविष्य को देखते हुए आज हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग रोजगार दिवस रोजगार मांगेंगे। हम लोग मोदी जी से, देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हमारी बहनों को नौकरियां देंगे, हमारे भाइयों को नौकरियां देंगे, छात्र छात्राओं को नौकरियां देंगे, रोजगार से जोड़ेंगे। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। देश की जो हालात है आज किसी से छिपा नहीं है। नौकरियां ख़त्म हो गई है, बड़े बड़े कल कारखाने बंद होने के कगार पर हैं, छोटे कारखाने का तो बात ही छोड़ दीजिए, इनका तो अस्तित्व मिट गया। रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, LIC जीवन बीमा था वो भी आपने बेचने का काम किया। इसलिए मैं आपसे मांग करूंगा, जो आपने वादा किया है, छात्र छात्राओं को देखिए, युवाओं को देखिए, कहाँ जाएंगे हमारे युवा वर्ग? बेरोजगार हो गए हैं सारे लोग, नौकरी मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, आज आपका जन्मदिन है, इसको देखते हुए आप सबको नौकरी दीजिए, जो वादा आपने किया उसको पूरा कीजिए। नहीं तो हम लोग रोजगार दिवस आपके जन्मदिन पर हम लोग मनाने का काम करेंगे।